क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर दिख नहीं रहा है। अच्छा स्टूडेंट, शायद से अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना। यस मैम, यस यस मैम, हो गई है। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, सबका यहाँ पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपको पता है हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स में, जिसको हिंदी में हम संख्या प्रणाली या चाहे तो संख्या पद्धति भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक में हिंदी में उसको संख्या पद्धति बोला है। ठीक है, संख्या प्रणाली बोलिए या संख्या पद्धति बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया है और उसका आज हमारा थर्ड लेक्चर, तीसरा लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, और आज हम क्या पढ़ेंगे तीसरे लेक्चर में, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में, फिर उसके बारे में बात करेंगे हम सर्ड्स होता क्या है, कितने टाइप्स के सर्ड्स होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए सर्ड। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये सर्ड क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको। स्टूडेंट, हिंदी में आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक सिंपल इसका अनुवाद दिया हुआ है, हिंदी में इसको करणी बोल रहे हैं हम, करणी। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा मैं बात किस चीज की कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका पहले चैप्टर में थोड़ा बहुत दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश में तो आपको समझ में आया होगा रेडिकल्स, यहाँ पे सर्ड्स, टाइप्स ऑफ सर्ड एंड लॉज ऑफ रेडिकल एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए सर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसका वर्ड यहाँ पे अनुवाद दिया है करनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं एवरीवन। एंड यहाँ पे क्या सीखेंगे आप प्लीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये क्लास अटेंड करके आपको क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास अटेंड करके आप लास्ट में यहाँ पे मुझे सर्ड्स के बारे में बता सकते हैं कि सर्ड होता क्या है और यहाँ पे रेडिकल होता क्या है, ये आप मुझे बता पाएंगे नंबर सिस्टम चैप्टर में। मतलब यहाँ पे हिंदी में बात करें तो करनी होता क्या है स्टूडेंट, और ये आप कौन सा चैप्टर है, संख्या प्रणाली बोलिए या संख्या पद्धति बोलिए। ठीक है, तो ये हम इसका मीनिंग आज जानेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया ना आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा क्लास का, तो नंबर सिस्टम चैप्टर हम ये दो चीज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहली बात करते हैं रेडिकल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल्स होता क्या है इन जनरल वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे सर्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर बात की जाए रेडिकल, ठीक है, या रेडिकल एक्सप्रेशन होता क्या है, आपने ये वाला सिंबल बहुत बार देखा होगा, मैं लिख के भी दिखा देती हूँ ऐसा वाला सिंबल। ठीक है स्टूडेंट, इन जनरल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कोई यहाँ पे नंबर ले लिया एक्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एन। ठीक है, इसको रीड तो ऐसा करते हैं हम स्टूडेंट, एन रूट ऑफ एक्स। अब कैसा रीड करेंगे इसको, इंग्लिश की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम करते हैं ऐसा रीड, एन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, सबको समझ में आया इंग्लिश मीडियम के बच्चे। हिंदी में स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये जो सिंबल जो है ऐसा वाला ऐसा, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है एन, तो इसको यहाँ पे उन्होंने बोला है करनी चिन्ह। ठीक है, ये वाला मैं लिख के दिखा देती हूँ एक बार, करनी, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है करनी। ठीक है, समझ में आया हिंदी मीडियम के बच्चे, प्लीज बताइए। तो ये वाला जो यस स्टूडेंट मैम सिंबल है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रेडिकल क्या होता है, हिंदी में इसको करनी बोला है। तो बेसिकली ये ऐसा टाइप का आपके पास नंबर होता है। ठीक है, ये जो देखो अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया स्टूडेंट जैसे ये, तो आप मुझे क्या बोलेंगे मैम ये स्क्वायर रूट है, हिंदी में आप जिसको बोलते हैं वर्गमूल है एक्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एंगुलर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ और नंबर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एन लिख के बताया है, तो इसका मतलब क्या होता है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश में हम रीड ऐसा करते हैं इसको, एंथ रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और स्टूडेंट ये होता क्या एग्जैक्टली वो भी एक बार आप जान लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है ना जो जगह बच रही है यहाँ पे मैंने एन लिखा है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है स्टूडेंट एक्स का पावर 1/n। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, ओके ये जो ना ये वाला, इसको अगर आप खुद से कितनी बार एन बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा एक्स। वापिस से समझाऊं मैं आपको, ओके, जैसे मेरा आपने ये वाला तो बहुत बार देखा होगा सिंबल स्टूडेंट, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट का आप बोलते हैं, जैसे मैंने लिख दिया रूट टू। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या स्टूडेंट, देखिए तो अगर आप रूट टू को रूट टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, टू मिलता है। एग्री करेंगे सब लोग। यहाँ पे मैंने लिख के नहीं बताया, वो भी आप जानेंगे कि अगर कुछ नहीं लिखा है या उसके अलावा 3 4 5 6 ऐसा कुछ होना, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी ये तो आपको पता चल गया, तो
तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये जो मैंने लिख के बताया है, ओके, अगर सपोज यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। अच्छा, किसी के डाउट है यहाँ पे स्टूडेंट, बताइए, डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, टेंशन मत लीजिए, अभी पूरा हुआ ही नहीं, अभी अभी हमारा डेफिनेशन थोड़ा सा आधा ही डिस्कस हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में जो बात करी ना, उसमें क्या लेंगे, एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो मैं बाद में बात करती हूँ, इन जनरल की बात कर रही हूँ, इन जनरल में ये हमने आपको बात बात की है, ठीक है। अगर आपके पास, एक सेकंड में अच्छे से लिख देती हूँ ये वाला सिंबल, ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो स्टूडेंट को। ऐसा सिंबल देखिए स्टूडेंट, ऐसा है, यहाँ पे आपने लिखा है एन और यहाँ पे लिखा है एक्स, ठीक है, सबको समझ में आया, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन रहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में व्यंजक आप बोल सकते हो, इस टाइप के, इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1/n। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये रहता है, ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, एक बार मैं वापस से दिखा देती हूँ, ये वाला साइन, ऐसा जो ब्लू कलर से दिखा रही स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है एन, तो ये जो साइन है आप इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, हिंदी में बात करें तो कर्णिका चिन्ह आप बोल रहे हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। यस और ये जो चिन्ह है, मैम, इसके अंदर जो आपने नंबर लिखा है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स मैंने लिखा है ये वाले साइन के अंदर, ये हो गया रेडिकल, ठीक है, सबको समझ में आया। और जो स्टूडेंट आपने ये जो एन लिखा है, ये जो कर्णिका जो चिन्ह है, इसके इधर एंगल, ये वाले पोर्शन पे जो एन लिखा है, ये क्या हो जाता है, रेडिकल का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल। इतनी बात समझ में आई सबको? ओके, ठीक है, ये इन जनरल की बात करी मैंने, इन जनरल, ठीक है, अभी स्टूडेंट इन जनरल की, इन जनरल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, जो आपका सिलेबस की बात करें अप टू 10th, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे सर्ड्स के बारे में, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही सिंबल हम यूज करते हैं, लेकिन सर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी के लिए ध्यान दीजिए, अगर कोई आपको पूछे रेडिकल्स होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, रेडिकल आपका जो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा फॉर्म में दिखता है, ठीक है। और ये जो सिंबल मैंने आपको दिखाया, ये वाला सिंबल वापस से दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट, ये है रेडिकल का साइन, ठीक है, और इसके अंदर जो नंबर आपने लिखा है उसको आप बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पे एन कहलाता है ऑर्डर, कहलाता है इस रेडिकल का, समझ में आया स्टूडेंट, मतलब करनी का ऑर्डर यहाँ पे एन हो गया, इसको एक्चुअली हिंदी में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, सिर्फ इतना मुझे पता है कि रेडिकल को हिंदी में करनी आप बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आए, प्लीज इतनी बात बता दीजिए। ओके, अच्छा, ये इतना बात हो गया। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये चीज मैंने आपको बताया, इसको बेसिकली हम रीड ऐसा करते हैं एन टू रूट ऑफ एक्स, ठीक है, अभी यहाँ पे जो एक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे हम, यहाँ पे एक्स आपका रियल नंबर ले रहे, आपको पता है रियल नंबर क्या होता है हिंदी में, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ऐसी संख्या जो या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, तो आप उसको वास्तविक संख्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तीन केस हमारे पास बनते हैं, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो एन कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, मतलब एन कोई भी आपका वास्तविक संख्या हो सकता है जीरो को छोड़ के, ठीक है, लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके सिलेबस में जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बार समझ में आई, क्योंकि इन जनरल यहाँ पे मैं रेडिकल का मतलब आपको समझा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात बता दीजिए, ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल भी मैं लिख सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो, इन, ये इन जनरल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए इन जनरल जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ आपको, ये वाला लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये तो आपको पता है स्टूडेंट कैसा रीड करेंगे, हिंदी के बच्चे यहाँ पे बोलेंगे इसको वर्गमूल बोल रहे हैं ना स्टूडेंट, आपको वर्गमूल ऑफ 2, मतलब इंग्लिश में आप इसको कैसा बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट क्यूब ऑफ रूट 3, हाँ ठीक है, और यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे शायद इसको घनमूल बोल रहे हैं 3 का, ठीक है, समझ में आ रहे स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और चाहे तो और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 5 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल, और ये 3 केस मैं आपको बता रही हूँ इन जनरल, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपके सिलेबस में जो हम एक्स लेंगे स्टूडेंट, ये जो साइन के नीचे जो हम ले रहे हैं, वो एक्स हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेने वाले हैं, और पॉजिटिव के साथ यहाँ पे हम स्टूडेंट वो रैशनल नंबर लेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये सब हाईएस्ट स्टैंडर्ड में आता है, ये जो 3 केस मैंने बताया, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ x आपका पॉजिटिव हो सकता है, x आपका जीरो हो सकता है, x लेस देन जीरो हो सकता है, ये इन जनरल बता रही हूँ, इन जनरल। ठीक है, तो अगर आपका x पॉजिटिव हुआ तो n कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, मतलब n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है जीरो को छोड़ के। वैसे ही अगर x आपके पास जीरो हो गया तो n कैन हैव एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू, मतलब धनात्मक आपका, यहाँ पे स्टूडेंट रियल को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। लेकिन आपके सिलेबस की बात की जाए तो वहां पे हम n जो ये है, ये जो लिखा है मैंने ये सिंबल के ऊपर, ये हमेशा हम नेचुरल नंबर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये इन जनरल मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सिर्फ इतना मीनिंग पता होना चाहिए कि करणी का चिन्ह कैसा होता है, रेडिकल का सिंबल कैसा दिखता है। तो ये सिंबल स्टूडेंट जो मैंने लिख के बताया है, इसका मतलब होता है x का पावर 1/n, और रीड इसको कैसा करते हैं, nth root of x। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है क्योंकि ये हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया रेडिकल्स के बारे में। अभी मेन चीज जो आप सिलेबस में पढ़ेंगे वो बात करेंगे सर्ड की। अभी मुझे बताइए कितने बच्चों ने पढ़ा है सर्ड्स के बारे में आपकी क्लास में? एवरीवन, हिंदी मीडियम के बच्चे जिसको आप करनी बोल रहे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना आपने नंबर सिस्टम चैप्टर में, जिसको आप बोल रहे यहाँ पे संख्या पद्धति। यस मैम, क्वेश्चन आपने किए ना, जैसे रूट टू, वहां पे रूट थ्री, इस टाइप के आपने वहां पे मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, ये सब आपने सीखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट थ्री लिख दिया, फाइव लिख दिया, सिक्स लिख दिया, सेवन लिख दिया, ठीक है, उस टाइप के शायद आपने अभी तक नहीं सीखे, वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सड़ का भी मीनिंग आपको जो टेक्स्ट बुक में मिलता है हिंदी में अनुवाद, उसका करने ही दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस की बात की जाए नाइन्थ सिलेबस की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया स्टूडेंट, वहां पे मैंने एक्स यूज किया था, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वहां पे ए लिखा, आप चाहे तो एक्स यूज कीजिए, आप चाहे तो ए यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से बात की जाए, अगर आपके पास कोई ए या चाहे तो एक्स बोल दीजिए, कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, याद है ना स्टूडेंट्स सबको रैशनल नंबर क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, p और q दोनों ही आपका इंटीजर होते हैं और q जीरो नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साथ में क्या बोला स्टूडेंट, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट a आपके पास घनात्मक और ये क्या है आपके पास परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको एवरीवन? अगर आपके पास a पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब a आपके पास घनात्मक परिमेय संख्या है, और साथ में ये भी चीज बोला है कि स्टूडेंट की जो a मैं ले रही हूँ यहाँ पे, nth पावर कोई भी रैशनल नंबर का नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये मैं बोल रही हूँ हिंदी में बात की जाए स्टूडेंट, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, तो ये जो फोर मैंने लिखा है अंदर, ये आपको पता कोई नंबर का स्क्वायर है, पता है ना आपको? एवरीवन, हिंदी में वर्गमूल लिख देते हो, इसको टू लिख देते हैं ना स्टूडेंट आप। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ स्टूडेंट, मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर आपके पास ए पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, और साथ में ये भी मैं बोल रही हूँ कि वो कोई भी रैशनल नंबर का एंथ पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ में एन यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है, तो जो ये आपको जो इस टाइप के जो नंबर मिलते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता है रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये सब स्टूडेंट को पता है ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ ये वाला सिंबल जो मैंने रेडिकल का यूज किया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एन और यहाँ पे अंदर मैं लिख रही हूँ ए, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ए है वो कोई भी रेशनल नंबर का एंथ पावर नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपको ये नंबर मिला है टोटल, ये आपको एक इरेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस और माइनस ये नंबर का लू तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है आपके पास, सर्ड है। समझ में आया? प्लीज बताइए। yes, अच्छा स्टूडेंट, मैंने ये क्यों बोला, देखो ये वाला जो मैंने लिखा था, जैसे ये वाला रूट फोर जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ फोर भी बोलते हैं स्टूडेंट, ये आपका सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रूट फोर को टू लिख सकते हैं और टू आपको पता है ये रैशनल नंबर है, टू इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, वापिस से एक बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइए, ये जो आपने ये जो रेडिकल का साइन है उसके अंदर जो लिखा, ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ये आपका होना चाहिए घनात्मक, यहाँ पे परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है,
स्टूडेंट समझ में आया? और ये जो टोटल नंबर आपको मिल रहा है ये आपका अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है एवरीवन? तो ये प्लस और माइनस आगे अगर मैं लगा दूं स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल रूट टू आपको पता है इरेशनल नंबर है, तो रूट टू आपका एक सर्ड भी हो गया, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे रूट टू लगा दूं तो भी ये आपको पता है एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी एक सर्ड हो गया। समझ में आया? प्लीज बता दीजिए। जरूरी नहीं कि हमेशा स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बात करी थी nth रूट की, तो यहाँ पे हम यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए आपके जो सिलेबस की बात करें आपके सिलेबस में n को क्या लिया है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार बात कर लेते हैं, डेफिनेशन सामने लिखी हुई है आपके सामने देखिए। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर a कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है जो nth पावर नहीं है कोई भी रैशनल नंबर का, तो जो इरेशनल नंबर आपको मिलेगा प्लस या माइनस ऑफ nth रूट ऑफ a, इसको हम बोलते हैं सर्ड। आप चाहे तो सिंपल सर्ड बोल दिए या बोलिए मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एकपदी। समझ में आया स्टूडेंट? अभी एग्जांपल की बात की जाए तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख के बताती हूँ, बहुत सारे एग्जांपल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ये वाला बार बार हिंदी में भी बोलते हैं वर्गमूल ऑफ थ्री, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, और भी एग्जांपल मैं लिख के बता रही हूँ आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, थ्री लिख दिया और यहाँ पे सपोज मैंने अंदर लिख दिया दो, इसको रीड कैसे करेंगे? आप बोलेंगे थर्ड रूट ऑफ, या आप थर्ड रूट बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे थ्री की जगह क्यूब भी लिखते हैं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ टू। सो स्टूडेंट, ये जो टोटल जो आपको नंबर मिल रहा है ना, ये वाला नंबर आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ये भी आपको ऑलरेडी पता था कि रूट टू रूट थ्री ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये आप इसको सर्ड भी बोलेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। और जो मैंने ये जो सिंबल है ना स्टूडेंट, इसके अंदर जो लिखा है वो आपका क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो लिख रहे हैं वो आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, हिंदी में बोले तो घनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए, और जो टोटल जो आपको नंबर मिलेगा स्टूडेंट, जो संख्या मिलेगी वो एक आपका अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तब आप बोलते हैं कि ये सर्ड है, मतलब करनी है। समझ में आया? यस मैम। एग्जाम्पल लिखते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैंने रूट थ्री लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ टू, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ फाइव, ठीक है, ये फोर्थ रूट, ठीक है, ये साइन के अंदर लिखा है, इसका मतलब क्या सुन रहे कि ये चीज, इसका मतलब जो जैसे ये मैंने लिख के बताया, इसका मतलब है फाइव का पावर वन बाई फोर, मतलब ये स्टूडेंट अगर सिंपल मीनिंग अगर आप जानना चाहोगे कि ये नंबर को आप चार बार खुद से ही गुना करोगे ताकि आपको आंसर मिले फाइव, ठीक है, ऐसा इसका कहने का मतलब, दूसरा मीनिंग अगर आप समझना चाहे तो ये हो गया, ठीक है, तो आपने यही नंबर को खुद से चार बार मल्टीप्लाई किया ताकि आपको आंसर मिले फाइव। तो यही चीज यहाँ पे देखो, ये वाला चीज जो स्टूडेंट मैंने बताया है, इसका मतलब क्या है, आप ये जो नंबर है खुद से कितनी बार गुना करोगे, तीन बार मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको क्या मिले टू, जो ये अंदर जो लिखा रहता है सुन लिए साइन के अंदर, ये मिलेगा आपको फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर ये वाला चीज भी बता देती हूँ, देखिए ऐसा है, अच्छे से लिखना है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइए, ये क्यूब रूट ऑफ टू इंटू क्यूब रूट ऑफ टू, यहाँ पे आप करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे टू, ठीक है, ध्यान दीजिए, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके सर, ये इरेज कर देती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, एंड अपनी मर्जी से लिख दीजिए, एंड डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ए कोई भी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है जो nth पावर नहीं है कोई भी यहाँ पे रैशनल नंबर का, और साथ में n जो हम ले रहे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, सबको पता है आपका, हिंदी में अगर बात की जाए हिंदी मीडियम के बच्चे स्टूडेंट आपको पता होगा n क्या है, प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पे ली है, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर आपको मिलेगा प्लस या माइनस ऑफ nth रूट ऑफ a, उसको आप बोलते हैं सर्ड, आप चाहे तो सिंपल सर्ड बोल दीजिए या मोनोमियल सर्ड बोल दीजिए, हिंदी में जिसको हम करनी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका बुक में बहुत कम इसका एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, काम की चीज देख लीजिए, यहाँ पे बोले जितने भी सर्ड होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ध्यान दीजिए, एवरी सर्ड इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, बट जो सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो सर्ड नहीं होते, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए,
कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया था जो इस सिंबल के अंदर जो आप लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं दे देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये चीज जो मैंने लिखा है कि जितने भी सर्ड होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, बट सारे इरेशनल नंबर आपके सर्ड नहीं होते। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट जितने भी करणी होते हैं वो सब आपके अपरिमेय संख्याएं होती हैं, बट सारी अपरिमेय संख्या आपके करणी नहीं होते। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, आपने ये वाला सिंबल देखा है पाई? पाई स्टूडेंट, ये पाई होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें जो डेफिनेशन सीखी है सर के हिसाब से हमें कुछ ऐसा चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे आप जो लिखते हैं वो ए आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, ए पॉजिटिव रैशनल है, और ये टोटल एक्सप्रेशन आपका क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो पाई जैसे कि एग्जांपल में लिख दिया है, यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, देखिए लिख दीजिए पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर बट नॉट ए सर्ड। स्टूडेंट पता है ना हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, सब लोग एग्री करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बताते हैं 3.14, उसके आगे भी बहुत सारे डिजिट आते हैं जो हम अभी के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है जो सर्ड नहीं है। और एग्जांपल अगर आपको चाहिए, ठीक है, और एग्जांपल मैं अगर बात करूं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ, कितने स्टूडेंट एग्री करेंगे कि ये भी आपके पास सर्ड नहीं है, बताइए स्टूडेंट, क्योंकि सर्ड के डेफिनेशन के हिसाब से जो रेडिकल जो साइन होता है उसके अंदर जो आप नंबर लिखेंगे वो आपका पॉजिटिव रैशनल होना चाहिए, मतलब घनात्मक यहाँ पे परिमेय संख्या होनी चाहिए। स्टूडेंट एवरीवन एग्री करेंगे कि नहीं, प्लीज बताइए। ये भी सर्ड का एग्जाम्पल, ठीक है, इज नॉट ए सर्ड, ठीक है, और सर्ड के एग्जाम्पल भी लिखेंगे इज नॉट ए सर्ड, लेकिन ये आपका डेफिनेटली इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो आपने रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा है स्टूडेंट, करनी का जो चिन्ह है उसके अंदर जो लिखा है वो आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट 2+√3 एक इरेशनल नंबर है ना स्टूडेंट, आपने पढ़ा था। अगर इरेशनल नंबर में अगर आप कोई इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। yes, तो ये सर्ड नहीं है, बट ये इट इज नॉट ए सर्ड बट, एक सेकेंड यहाँ पे मैं चेक कर लेती कितने स्टूडेंट को कुछ डाउट है, ओके बट ए एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी कोई मुझे सर्ड का एग्जांपल बताइए अपनी मर्जी से, एवरीवन यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये तो आपको पता चल गया, जो भी लिखे ये सारे सर्ड्स के एग्जांपल, और भी आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिर्फ ये याद रखना है आपको, ए यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया है हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने बात करी है प्लस और माइनस ऑफ एन तो रूट ऑफ ए, ये जो दिखते हैं आपको यहाँ पे एन आपका नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है, और ये टोटल अगर आपको मिलता है ऐसा प्लस या माइनस ऑफ एन तो रूट ऑफ ए तो ये आपका क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये सर्ड है, सिंपल सर्ड बोलिए या मोनोमियल सर्ड बोलिए। स्टूडेंट सबको समझ में आया, हिंदी मीडियम के बच्चे करनी बोल रहे सर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आगे आप पढ़ेंगे कि सर्ड का ऑर्डर क्या होता है, जो यहाँ पे जो लिखा है ना स्टूडेंट, ये वाला जो सिंबल है इधर मैंने जो एन लिखा, ये एन क्या होता है, सर्ड का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात सबको? ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपका चैट भी पढ़ रही हूँ तो ये वाला मैं इरेज कर दी हूँ। तो यहाँ पे सर्ड का डेफिनेशन हो गया हिंदी में, जिसको आप बोलते हैं करनी। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एंड प्लीज ये चीज ध्यान रखिए, ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एन और यहाँ पे लिख दिया है ए, ए यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, तो ये इसका मतलब देखिए ऑलरेडी मैंने आपको रेडिकल्स में भी बताया था, तो इसका मतलब हो गया ए का पावर 1/n। ठीक है, मतलब एन तो रूट ऑफ ए को आप खुद से एन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा ए। समझ में आया इतनी बात? यस मैम, यस मैम। ये चीज आपको पता रहेगा ना, हम यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आप इसको स्क्वायर रूट अज्यूम करते हैं ना, सबको पता है, आपने स्कूल में भी सीखा है आपने। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ अलग से यहाँ पे देखो 3 लिखा 4 लिखा तो आपको पता चलेगा इसका कहने का मतलब क्या है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 तो इसको रीड कैसे करोगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, मतलब ये क्या है 2 का पावर में 1/3।
हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आ रहे हैं घनमूल जिसको आप बोल रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अच्छा ये चीज इम्पोर्टेंट थी, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं सर्ड के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के सर्ड होते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट रेडिकल्स के बारे में मैंने बताया तो उसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉपर्टी यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अभी टाइप्स ऑफ सर्ड एकदम फटाफट देख लेते हैं उसके टाइप्स। तो पहला टाइप का जो सर्ड है स्टूडेंट यहाँ पे बोल सकते हैं यूनिट सर्ड। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, देखिये यहाँ पे रूट थ्री, यहाँ पे क्या लिखा था स्टूडेंट, रूट थ्री को आप चाहे तो स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ टू। तो ये सब एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं स्टूडेंट, तो ये आपके पास किसके एग्जाम्पल होंगे, यूनिट सर्ड। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये सर्ड के एग्जाम्पल है और सिंगल ही सर्ड आपको मिल रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, यूनिट सर्ड बोल दीजिए या मोनोमियल सर्ड बोल दीजिए या बोल दीजिए सिंपल सर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे यूनिट सर्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास nth रूट ऑफ a अगर कोई एक सर्ड है तो इसको हम यूनिट सर्ड भी बोल सकते हैं। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट आप इसको एक पदी करनी बोल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, एक बार चैट भी मैं पढ़ लेती हूँ, किसी ने कुछ डाउट रहे पूछा होगा तो। ओके, इतनी बात समझ में आई ना स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, यहाँ पे साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यूनिट सर्ड के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, आप चाहे तो अपनी मर्जी से और भी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्यूब रूट ऑफ टू, और चाहे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे लिख दिया फिफ्थ रूट ऑफ थ्री। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये सब आपको इरेशनल नंबर मिल रहे हैं ये, और आपको पता है ये जो सर्ड की डेफिनेशन उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, सर्ड के एग्जाम्पल हैं। ये वाले केस में आप चाहे तो यूनिट सर्ड बोल दीजिए, मोनोमियल सर्ड बोल दीजिए या सिंपल सर्ड बोल दीजिए। ठीक है, समझ में आया, रीड कैसे कर रहे हैं इसको, बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू पहला एग्जाम्पल। ठीक है, हिंदी में जिसको आप वर्गमूल ऑफ टू बोल रहे हैं, दो का वर्गमूल। दूसरे एग्जाम्पल को कैसे पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, आप बोल रहे हैं ये घन मूल ऑफ दो का घन मूल हो गया। ठीक है, ये इसको कैसा पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पांचवा जो रहता ना, यहाँ पे इंग्लिश में तो हम बोलते हैं फिफ्थ रूट ऑफ थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये जो मैंने लिख दिया है यूनिट सेट, अगर आप इसको कोई भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो मिलेगा आप उसको क्या बोलोगे, मल्टीपल ऑफ सर्ड। जैसे यहाँ पे मैंने रूट टू लिख दिया स्टूडेंट, अगर मैंने रूट टू को कोई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे अभी एग्जांपल में अगर लिखो जैसे थ्री इंटू रूट टू। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये जो थ्री लिखा है ये बाहर है। ठीक है, ये इसका, क्योंकि थ्री इंटू थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट टू है ये, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, ये इसका मल्टीपल हो गया। आप चाहे तो थ्री की जगह ले लीजिए, फोर ले लीजिए, फाइव ले लीजिए, सिक्स ले लीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई सर्ड है, अगर आपने उसको कोई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो आपको अभी सर्ड मिलेगा स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा, आपका मल्टीपल ऑफ सर्ड। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक नोट करके भी मैंने आपके लिए बताया है कि जितने भी मल्टीपल होते हैं सर्ड को, हम उनको ऐसा लिख सकते। देखिए, अगर के आपके पास कोई रेशनल नंबर है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे परिमेय संख्या है। ठीक है, तो के मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ ए, इसको आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, nth रूट ऑफ के का पावर n इंटू ए। कैसे आया, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, सेम चीज को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते। देखिए, के इंटू ऐसा है nth रूट ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब क्या है, के मल्टीप्लाई हुआ इससे, और आपको पता ये है क्या, इसका मतलब है ए का पावर वन अपॉन एन। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, अगर आपको ये के को अंदर लेना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते। देखिए, कुछ बच्चे ध्यान देंगे इसको, देखिए आप इसको के का पावर एन लिख सकते हैं, और टोटल का पावर चाहे तो यहाँ पे वन अपॉन एन लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके रहते हैं आपको पता है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं इसका पावर वन अपॉन एन लिख दूं, और ये तो ऑलरेडी आपको पता है ए का पावर वन अपॉन एन है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आप ध्यान देंगे तो आप चाहे तो इसको k का पावर n इंटू ए और टोटल का पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं। इंडाइसिस में हमने सीखा था स्टूडेंट, a इंटू b, टोटल का पावर अगर आपके पास n है तो वो हो जाता है a का पावर n इंटू b का पावर n। स्टूडेंट याद है आपको घातीय संख्या, ठीक है, जहाँ पे हमने नियम सीखे थे घातांक के नियम, वहां पे हमने सीखा, तो सेम चीज यहाँ पे वही बताया जो ये अभी मैंने लिखा है। फिर आप चाहे तो इसको रेडिकल सिंबल के अंदर लिख दीजिए, रेडिकल सिंबल के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे n लिखेंगे, और यहाँ पे जो साइन के अंदर लिखेंगे k का पावर n इंटू a, सेम चीज यहाँ पे उन्होंने लिख के बताया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट?
यस मैम। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास मतलब करनी के मल्टीपल है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं इरेज कर देती हूँ आपके लिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला टाइप जो हमने सीखा है सर्ड के, जिसको हिंदी में करनी बोल रहे हैं, उसका प्रकार की बात कर रहे हैं। पहला है यूनिट सर्ड। ठीक है, वहां पे हमने बात करी है अगर आपके पास nth रूट के कोई सर्ड है तो उसको आप यूनिट सर्ड बोलेंगे, चाहे तो बोलिए मोनोमियल सर्ड, चाहे तो बोलिए सिंपल सर्ड। अगर आपने वो सर्ड को कोई रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो जो मिलेगा वो मिलेगा मल्टीपल ऑफ ए सर्ड। ठीक है, अभी स्टूडेंट मिक्स सर्ड की बात की जाए, अगर आपके पास ए कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, और आपने पता है कि रैशनल नंबर हम ले रहे हैं और सर्ड में हमने जो ए ले रहे हैं वो आपको पता है ये आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास दो अलग अलग सर्ड है, ओके, यहाँ पे मिक्स सर्ड की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे तो मिक्स का मतलब क्या हो गया, पहले तो सर्ड है, ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे अगर आपके पास ए देखिए अगर कोई रैशनल नंबर, जैसे एग्जांपल मैं लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 2, ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे देखिए मैंने रूट 3 लिखी, तो सब लोग एग्री करेंगे स्टूडेंट कि रूट 3 आपका एक सर्ड है, बताइए हिंदी मीडियम के बच्चे, वर्गमूल ऑफ 3 एक सर्ड है, बट ये 2 जो आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट ये 2 आपका एक रैशनल नंबर है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, एक रैशनल नंबर प्लस एक सर्ड को अगर आप करते हो तो जो मिला इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिक्स सर्ड। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? यस यस। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, इन जनरल की बात की जाए तो इन जनरल में देख लीजिए अगर आपके पास ए कोई रैशनल नंबर है लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है, तो आपको जो मिलेगा एंथ रूट ऑफ बी, अगर ये एक सर्ड है तो ए प्लस या माइनस एंथ रूट ऑफ बी, ये आपका क्या कहलाएगा, मिक्स सर्ड। एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट जैसे मैंने लिख दिया 4th रूट ऑफ 3, ठीक है, तो आपको पता है 4th रूट ऑफ 3 ये एक सर्ड है, अगर मैंने उसमें 2 ऐड कर दिया तो ये जो आप एग्जांपल देंगे ये आपका हो गया मिक्स सर्ड। और भी एग्जांपल लिखिए अपनी मर्जी से, 2 माइनस 4th रूट ऑफ 3, सेम चीज ऐसा मैंने बताया, और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया कि नहीं? एक रैशनल में आपने ऐड या सबट्रैक्ट किया है किसको, एक सर्ड को, तो ये जो मिले आपके पास ये कहलाएगा मिक्स सर्ड। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्यों बोला है, यहाँ पे कि जो लिखा हुआ है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली बोला है अगर ए अगर आपका 0 हो गया, ये वाला चीज 0 हो गया तो अभी तो डायरेक्टली आपको सिर्फ सर्ड ही मिलेगा ना, समझ में आ रहा है, अगर ये 0 हो गया पहले वाला टर्म तो क्या मिलेगा आपको, एंथ रूट ऑफ बी मिलेगा, तो वो तो है ही सर्ड। ठीक है, तो मिक्स सर्ड कब बोलेंगे, अगर आपके पास ए कोई क्या है रैशनल नंबर है लेकिन वो रैशनल नंबर 0 नहीं लेना है, तो यहाँ पे ए प्लस और माइनस ऑफ एंथ रूट ऑफ बी कहलाएगा मिक्स सर्ड। ठीक है, अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। किसी को डाउट है हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, प्लीज बताइए, करनी के अलग अलग यहाँ पे प्रकार हम सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट की बात की जाए फटाफट एक बार करते हैं। थर्ड है कंपाउंड सर्ड। ठीक है, इंग्लिश में इसको कंपाउंड बोल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में जब आते हैं तो क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड सर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, कोई जो सर्ड है, ठीक है, आपके पास अगर एक सर्ड है, ए सर्ड विच इज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 या उससे भी ज्यादा सर्ड अगर आपके पास होंगे, देखो यहाँ पे सिंपल सर्ड तो हमने जान लिया, यूनिट सर्ड क्या होते हैं, जैसे रूट 2 लिखा, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा, तो स्टूडेंट अगर मैं 2 या उससे ज्यादा सर्ड्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखूं तो जो मिलेगा स्टूडेंट उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कंपाउंड सर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल हम लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, देख लीजिए एग्जांपल मैं आपके लिए लिख के दे देती हूँ, देखिए बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 अलग अलग सर्ड लीजिए, उनका एडिशन या आप बोल सकते हैं डिफरेंस 2 से ज्यादा भी सर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया स्टूडेंट रूट 2 प्लस रूट 3, एग्री करेंगे कि नहीं, ये कंपाउंड सर्ड का एग्जांपल है एवरीवन, ये भी एक सर्ड है, ये भी एक सर्ड है। ठीक है, आप चाहे तो इधर 4th रूट ऑफ 3 लिख दीजिए, 5th रूट ऑफ 3 लिख दीजिए। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट। यस मैम। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, देखिए एग्जांपल अपनी मर्जी से लिखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5th रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 4th रूट ऑफ मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2, तो ये भी आपका कंपाउंड सर्ड का एग्जांपल है। ठीक है एवरीवन, बता दीजिए एक बार। यस मैम। ठीक है,
मैम जो दिख रहा था, क्या दिख रहा था बताइए स्टूडेंट्स। मैम जो आपने लिखा मैम वो शो नहीं हो रहा अभी। कितने बच्चों को शो नहीं हो रहा एक बार बताइए जो मैंने लिखा है यहाँ पे। मैम पहले नहीं हो रहा था, फिर फोटो को छोटी करके देखा फिर हो गया। ओके अच्छा स्टूडेंट, कई बार क्या होता है नेटवर्क इश्यू भी होता है ना, तो बीच में कई बार दिखाई नहीं देता है। अगर नहीं दिखाई दे तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने तीसरे टाइप का जो सर्ड का टाइप सीखा है वो कंपाउंड सर्ड होता है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी में उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए सर्ड के ऊपर। तो अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कंपाउंड सर्ड। तो अगर आपके पास कोई सर्ड है जो क्या है सम या डिफरेंस, मतलब एडिशन या डिफरेंस है, आप बोल सकते हैं दो या उससे ज्यादा सर्ड्स का, तो वो जो आप लिखेंगे वो आपको कहलाएगा कंपाउंड सर्ड, क्योंकि ये भी सर्ड ही है पूरा, ठीक है। देखिए ये जो मैंने लिखा सर्ड ही है, लेकिन आप इसको स्पेसिफाई करके बोलना चाहे तो ये हो गए कंपाउंड सर्ड। वैसे ही ये जो एग्जांपल है ये कंपाउंड सर्ड के हो गए, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा ध्यान दीजिए, मतलब सर्ड अलग अलग टाइप के आपके पास सर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, ऐड कर रहे हो या डिफरेंस कर रहे हो, तो जो आपको मिल रहा है सर्ड ही मिल रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है कंपाउंड सर्ड कहलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कंपाउंड सर्ड यहाँ पे जो सर्ड मैंने बताया है उसमें अगर स्पेसिफाई करना चाहे, अगर आपके पास कोई कंपाउंड सर्ड है जिसके अंदर आपको दो ही टर्म मिल रहे, देखिए जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो आप इसको चाहे तो बाइनोमियल सर्ड भी बोल दीजिए। कंपाउंड सर्ड तो ऑलरेडी है क्योंकि आपको पता है दो सर्ड का एडिशन एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही सर्ड है, तो आप इसको बोलेंगे बाइनोमियल सर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बाइनोमियल की बात कर रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख दीजिए। आप एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो एग्जाम्पल में और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बाइनोमियल स्टूडेंट हिंदी में जिसको आप बोलते दो पदी, ठीक है, दो पदी करनी यहाँ पे, तो एक कंपाउंड सर्ड जिसके अंदर दो सर्ड हो तो आप उसको बोलेंगे बाइनोमियल सर्ड। अच्छा किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज मुझे लगता है आपने एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़ी है, ये आपके लिए टोटली न्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे रूट टू प्लस देखिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो ये भी आपका बाइनोमियल सर्ड का एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एवरीवन, क्योंकि रूट टू भी एक सर्ड है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड रूट ऑफ सेवन, ठीक है, तो ये भी आपका एक सर्ड है, तो दोनों का एडिशन करेंगे या दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपको मिल रहा है सर्ड ही मिल रहा है, तो इसको आप बाइनोमियल सर्ड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो सर्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये वाले सिंबल के ऊपर थ्री लिखा है। रीड मतलब सेकेंड टर्म क्या है स्टूडेंट आपका, क्यूब रूट ऑफ सेवन, हिंदी में जिसको बोलते हैं घनमूल ऑफ सात का घनमूल हो गया, ठीक है। कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया, ठीक है, थ्री इंटू ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, थ्री किससे मल्टीप्लाई हो रहा है रूट सेवन से, अगर मैंने ऐसा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे सेवन लिखो और यहाँ पे लिखा थ्री, तो इसका मतलब क्या, दूसरे वाले का मतलब है सेवन का पावर वन बाई थ्री, मतलब ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ सेवन, तो दोनों ही अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होने आप सबको, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड मैं देखती हूँ स्टूडेंट, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, मोबाइल से मुझे दिख रहा है जो मैंने लिखा है, एक बार जिसको नहीं दिख रहा है एक बार रिफ्रेश करके देखिए आप। अच्छा हैंड रेज किया है तानिया ने, तानिया समझ में आ रहा है आपको? ओके अच्छा, जिसको डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, मुझे लगता है अभी दिखना चाहिए रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है। स्टूडेंट अभी हमें क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सर्ड पढ़ रहे हैं, हमने बाइनोमियल सर्ड की बात करी है, तो ऐसा कंपाउंड सर्ड आप बोल सकते हो जिसके अंदर दो सर्ड हो तो आप उसको बोलेंगे बाइनोमियल सर्ड, ठीक है। तो एग्जांपल आप अपनी मर्जी से बहुत सारे लिख सकते हो, एक एग्जांपल मैंने आपको लिख के बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्ड की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे सिमिलर सर्ड, जैसे मुझे लगता है आपने क्या रहता है पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर सीखा होगा 8th स्टैंडर्ड में भी और ये वाले क्लास में भी स्टूडेंट, तो वहां पे भी आपने सीखा होगा ना सिमिलर टर्म या डिसिमिलर टर्म होते क्या है स्टूडेंट, सीखा था ये बताइए इंग्लिश मीडियम के बच्चे। यस मैम।
तो उसी टाइप में आप बोल सकते हैं यहाँ पे सिमिलर सर्ड्स एंड यहाँ पे डिसिमिलर सर्ड्स आप बोल सकते हैं। तो सिमिलर सर्ड्स होते क्या है स्टूडेंट, अगर दो सर्ड है ठीक है, तो यहाँ पे इफ टू सर्ड्स आर डिफरेंट मल्टीपल ऑफ सेम सर्ड तो आप क्या बोलेंगे, वो सिमिलर सर्ड्स है। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे मैंने लिख दिया थ्री टाइम्स रूट टू, ठीक है, तो आपको पता था रूट टू एक आपके पास सर्ड था, उसका मल्टीपल मैंने लिखा है, तो थ्री रूट टू यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मोर एग्जाम्पल लिखती हूँ फाइव इंटू रूट टू, तो स्टूडेंट ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं तो ये आप कहलाएंगे सिमिलर सर्ड्स। बात समझ में आई स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिमिलर सर्ड एक जैसा, ठीक है, मतलब मल्टीपल किसका है, सेम सर्ड का, तो ये हो गया सिमिलर सर्ड्स। अच्छा जो सिमिलर नहीं है उसके एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं आपको, डिस सिमिलर सर्ड्स की भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल दूसरे में बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है रूट टू, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है थ्री थर्ड रूट ऑफ, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिख दिया फाइव, तो आपको पता चल रहा है दोनों ही अलग अलग सर्ड है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप चाहे तो इनके मल्टीपल लिखेंगे तो भी वो आपका डिसिमिलर सर्ड हो जाएगा। एवरीवन बताइए, किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, एक बार वापिस से रिपीट करती हूँ, अगर आपके पास दो सर्ड्स है, ठीक है, इफ टू सर्ड्स आर मल्टीपल ऑफ द सेम सर्ड, अगर सेम सर्ड के मल्टीपल है तो आप उनको बोलेंगे सिमिलर सर्ड, जैसे पहले वाले एग्जांपल में थ्री इंटू रूट टू कॉमा फाइव इंटू रूट टू, तो ये रूट टू जो सर्ड है उसके मल्टीपल थे, तो ये आपने बोला सिमिलर सर्ड है। अभी दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है स्टूडेंट, रूट टू एक सर्ड है, यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ फाइव, तो ये भी एक सर्ड है, लेकिन दोनों ही आपको पता है अलग अलग सर्ड है ना, तो ये डिसिमिलर सर्ड आपके पास होगी। ठीक है, अगर सेम सर्ड के मल्टीपल होते स्टूडेंट तो आप बोलते वो सिमिलर सर्ड्स हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया कि नहीं? ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्ड, सर्ड के अलग अलग प्रकार हो रहे जिसको हिंदी में हम करनी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसके बाद हमें बात कर रही हूँ कि जो सर्ड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास मिक्स सर्ड है, मिक्स सर्ड की वापस से मैं डेफिनेशन दिखा देती हूँ स्टूडेंट, आपको याद है ए अगर आपने रैशनल नंबर लिया है, ठीक है, ए रैशनल नंबर लिया और साथ में हमने बोला था ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ए प्लस या माइनस अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं एंथ रूट ऑफ, जैसे यहाँ पे लिख दिया बी, क्योंकि आपको पता है ये जो चीज है ये आपके पास एक सर्ड है, एक सर्ड के अंदर आपने एक रैशनल नंबर को एड किया है ए प्लस या माइनस nth root of b, तो स्टूडेंट ये कहलाता है आपका मिक्सर। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो अभी अगर आपके पास दो अलग अलग मिक्सर है वो इक्वल कब होंगे, वो कंडीशन में आपको बताने जा रही हूँ। समझ में आया स्टूडेंट, बताइए किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो मिक्सर है ऐसा कुछ फॉर्म में a प्लस C into, यहाँ पे देखिए आपको अलग से दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये C जो है ना यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए एक सेकंड, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट को, ये ऐसा सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए B लिखा है और ये जो C है ना यहाँ पे लिखा है, मतलब C मल्टीप्लाई हो रहा है रूट B से। समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। yes, ये अगर C इधर लिखा होता स्टूडेंट ये, तो उसका मतलब होता सी ये बी का पावर वन अपॉन सी, ठीक है, कंफ्यूज मत, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो अगर आपके पास दो मिक्स सर्ड है कुछ ऐसा फॉर्म में देख लीजिए, ए प्लस सी इंटू रूट बी एंड डी प्लस ई इंटू रूट बी, ऐसा फॉर्म में है। हिंदी में अगर बात की जाए तो स्टूडेंट आपको पता है ये वाला जो सिंबल है आप इसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ए प्लस सी इंटू रूट बी एंड डी प्लस ई इंटू रूट बी, अगर ये दोनों बराबर है स्टूडेंट तो ये दोनों बराबर कब होंगे उसके लिए कंडीशन सामने आपको भी पता होगा, मैं एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस सी इंटू रूट बी इज इक्वल टू, अगर आप बोल रहे हैं d प्लस ई इंटू रूट बी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट रूट बी इधर है, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होना चाहिए, a d के बराबर होना चाहिए एंड c e के बराबर होना चाहिए। एग्री करेंगे कि नहीं सब लोग? ये चीज पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इसके ऊपर कभी इन केस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर दो आपके पास मिक्स सर्ड है ऐसा फॉर्म में तो ये दोनों बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे, जब ए बी के बराबर हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा ई के, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये चीज मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाया है।
एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, चाहे तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जैसे ए प्लस, हाँ यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिख के दिखा देती हूँ मैं, बी इंटू रूट टू, ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ। और ये किसके बराबर, जैसे मैंने बोल दिया थ्री प्लस फाइव इंटू रूट टू, ऐसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपके लिए बनाया है। तो कौन मुझे बताएगा ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी? एवरी वन ऑब्जर्व करके बताइए। ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन। एक सेकेंड, वन। अच्छा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे, आप चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं या चाहे तो आंसर चैट में बताइए। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, दो अलग अलग सड़ है, ठीक है, और ये आपको पता है मिक्स सड़ है, ये भी मिक्स सड़ है, मिक्स सड़। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखो बी इंटू रूट टू, ठीक है, रूट टू सड़ है, उसका मल्टीपल यहाँ पे बी है, तो बी इंटू रूट टू। और यहाँ पे राइट साइड की बात करें तो फाइव इंटू रूट टू, तो ये आपको पता है इसी फॉर्म में जैसा मैंने आपको लिख के बताया है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये रूट, इधर भी रूट टू है, यहाँ पे भी रूट टू है, ठीक है, तो जो उनके साथ जो मल्टीप्लाई, देखो ये बी मल्टीपल है, यहाँ पे फाइव है, तो वो भी आपका बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सर्ड्स को मैं क्या बोली, दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये दो मिक्स सर्ड है और मैं बोली दोनों बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट थ्री। देख लीजिए, आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ए की वैल्यू हो जाएगी थ्री एंड बी की वैल्यू हो जाएगी फाइव। किसी को डाउट है? वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सेम चीज मैंने यहाँ पे बताया है अभी स्टूडेंट, क्योंकि हमने इंडाइसिस के लॉज पढ़े थे, प्रॉपर्टी पढ़े थे, हिंदी में बात करें तो घातांक के नियम पढ़े थे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेम चीज अप्लाई करके हम यहाँ पे रेडिकल्स के भी रूल्स लिख सकते हैं, लॉज लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जो सर्ड्स में पढ़ रहे स्टूडेंट, यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग लॉ करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि ये लॉज, ये या ये प्रॉपर्टी, ये नियम यूज करके हमें क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। अगर आपके पास ए पॉजिटिव नंबर है, बी आपके पास पॉजिटिव नंबर है, और एन आपके पास कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहाँ पे मैंने लिया है, जो मैंने आपको जो पहले यहाँ पे स्टूडेंट सर्ड की डेफिनेशन सिखाई थी, उसमें क्या था, एन आपके पास क्या था स्टूडेंट, एन यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर था। लेकिन अभी मैं इन जनरल अगर रेडिकल्स की बात करूं स्टूडेंट, याद होगा आपको रेडिकल्स की अगर बात करी थी, वहां पे हमने बोला था एन आपको कोई भी वहां पे रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं कुछ यहाँ पे रेडिकल्स इसलिए लिखा है, लॉज ऑफ रेडिकल, अगर यहाँ पे लॉज ऑफ सड होता स्टूडेंट, तो वहां पे डेफिनेटली आपका एन क्या होता स्टूडेंट, नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी सड्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बट सड्स के लिए होगा तो वहां पे एन आपका नेचुरल नंबर होगा, मतलब हिंदी में बोले तो स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या होगा वहां पे एन, ठीक है। तो ये रूल आप एक बार देख लीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा है nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, nth रूट ऑफ ए बी। किसी को डाउट है तो एक बार लिख के दिखा देती हूँ, इसका मतलब है पहले वाले का a का पावर 1 अपॉन n, दूसरे वाले का मतलब है b का पावर 1 अपॉन n, इंडाइसिस में प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, तो ये हो गया ए बी का पावर 1 अपॉन n, ठीक है। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी, ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया है रेडिकल का फर्स्ट लॉ। समझ में आए स्टूडेंट, जो हमने इंडाइसिस की प्रॉपर्टी सीखे हैं, घातांक के नियम वही यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, ये किसके बराबर हो गया, nth रूट ऑफ a अपॉन b। चेक कर लीजिए कैसे, a का पावर 1 अपॉन n अपॉन b का पावर 1 अपॉन n, ये हो गया a अपॉन b का टोटल का पावर 1 अपॉन n, और इसको आप लिख सकते हैं कैसा, nth रूट ऑफ a अपॉन b, यही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। फटाफट एक बार देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये हो गया आपके पास nth रूट ऑफ a अपॉन b। एवरीवन समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके, ठीक है, तो ये इरेज कर देती हूँ मैं, डायरेक्टली आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है ब्लर दिख रहा है, एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो भार दिया है m, ओके, भार दिया है m, मतलब nth रूट ऑफ m, ये वाला nth रूट ऑफ किसका, nth रूट की बात कर रहे हैं ये, इसका मतलब nth रूट ऑफ a, ऐसा। तो जैसे हमने लास्ट टाइम इंडाइसिस में भी सीखा था स्टूडेंट, पावर पावर मल्टीप्लाई होते, वही चीज से आपको ये मिलेगा। देखिए क्योंकि सबसे बाहर है m, तो मतलब इसका ये हो गया, इसका यहाँ पे n है, तो इसका पावर हो गया आपके पास 1 अपॉन m, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसका लिखेंगे a का पावर 1 अपॉन n है, और टोटल का पावर आपको 1 अपॉन m मिल रहा है।
पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपको मिलेगा ए का पावर 1/ml, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। और इसको अगर आप लिखेंगे अच्छे से तो ये आपके पास हो गया ऐसा, यहाँ पे ml और यहाँ पे a, वही चीज यहाँ पे उन्होंने लिख के बताया है, आप चाहे तो इसको सेम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा दिया है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। m और n को इंटरचेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सेम ही चीज आपको मिलेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए, ये लॉजिक, ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपके पास है एन तो रूट ऑफ ए का पावर टी, तो ये किसके बराबर होगा, आपको पता है ए का पावर टी अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एन तो रूट ऑफ ए का पावर टी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है एन तो रूट ऑफ, फिर यहाँ पे उसके अंदर लिखा है एन तो रूट ऑफ ए का पावर टी उसका भी पावर m, क्योंकि इसको अगर ओपन करेंगे स्टूडेंट आपको पता है m और m कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो a का पावर p है, उसका पावर इधर आपको m दिख रहा था, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका पावर 1/m है, एक सेकेंड, ये था हमारे पास उसका पावर 1/m है और वहां पे 1/n है, कुछ ऐसा हो रहा है, m और m कैंसिल हो जाएगा तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? यस मैम, यस मैम, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, रूल्स को देख के टेंशन मत लीजिए, लॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रेडिकल्स की बात हो गई, करनी के नियम, तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर की बात मैंने ऑलरेडी कर ली थी आपके साथ, ये जो हम लिखते हैं सर्ड के ऊपर यहाँ पे देखो एंथ रूट ऑफ ए, तो यहाँ पे एन क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड, जैसे एग्जाम्पल में अगर बात की जाए स्टूडेंट मैंने ऐसा लिखा है तो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है साइन के ऊपर, तो आपको पता है इसको हिंदी में बात करें तो वर्गमूल ऑफ टू हो गया स्टूडेंट, और इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ टू हो गया, तो इसका ये सर्ड का ऑर्डर हो गया टू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्री तो आप क्या बोलेंगे, ये सर्ड का ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट, थ्री, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये वाली बात बताइए। यस मैम, यस मैम, ओके, जिसको नहीं समझ में उनके लिए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस टाइप जैसे हम लिखते हैं ना ये, तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे ए आपका पॉजिटिव रेस्ट, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर ले रहे और एन यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे, डेफिनेशन सर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से हम, ठीक है, अपने सिलेबस की बात करें उसमें, तो अगर हम ले रहे हैं एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास जो एन है ये आपके पास नेचुरल नंबर है सर्ड की डेफिनेशन में, और जो ए है ये आपका पॉजिटिव है और ए आपका रेशनल नंबर है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट एन आपका प्राकृतिक संख्या है और ए आप ले रहे हैं यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, तो ये जो एन लिखा रहता है स्टूडेंट ये हम इसको बोल रहे हैं सर्ड का ऑर्डर है, समझ में आया। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, देखो ऐसा लिखा है ना, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप इसको बोलते हैं ना जैसे स्क्वायर रूट ऑफ टू, हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वर्गमूल ऑफ टू, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, सर्ड का टू हो गया, अदरवाइज टू से बड़ा कोई भी अगर आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या दिख रही है, जैसे यहाँ पे दिख गया आपको फाइव, तो ये वाले सर्ड का ऑर्डर हो गया फाइव, ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया। yes, ma'am. ये वाले का ऑर्डर है थ्री, ये वाले का मैंने लिखा तो इसका ऑर्डर है आपके पास एन, ये चीज मैंने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा उसके ऊपर फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है एवरीवन, सब लोग हैं मेरे साथ, क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो भी हमने पढ़ा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज पूछिए, ठीक है सब लोग। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्ड सीखा था, अगर आपको याद है तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, देखो कुछ यहाँ पे चार एग्जांपल लिखे हैं तो टाइप आपको बताना है, तो यहाँ पे मैं आपका आंसर लिखने वाली, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखती है, पहले वाला देखिए, पहले में बोल रहे हैं रूट सिक्स प्लस फाइव रूट थ्री, स्टूडेंट याद कीजिए आपको दिख रहा है रूट सिक्स भी एक सर्ड है, फाइव इंटू रूट थ्री भी एक सर्ड है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ हो तो ये भी एक सर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, किसी को याद है, हम इसको बोलते हैं कंपाउंड सर्ड, और या आप चाहे तो इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कंपाउंड सर्ड बोलिए, या चाहे तो आप बाइनोमियल सर्ड भी बोल दीजिए, क्योंकि दो सर्ड ही है यहाँ पे, ठीक है बाइनोमियल सर्ड, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए किसी को डाउट है। No. Okay, दूसरी वाला बी वाला देखिए, सब लोग एग्री करेंगे,
रूट 15 सर्ड है, रूट 8 सर्ड है, रूट 11 सर्ड है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो सर्ड का होता है कंपाउंड सर्ड. वेरी गुड, एक्सीलेंट श्रेणी यहाँ पे. ठीक है, सिर्फ ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ सर्ड सीखा है, तो ये कंपाउंड सर्ड. ठीक है, सी की बात कीजिए, रूट 5, बहुत सारे नाम है इसके लिए, तीन नाम बताए थे मैंने, चाहे तो सर्ड बोल दीजिए, सिंपल सर्ड बोल दीजिए, यहाँ पे यूनिट सर्ड भी बोल सकते हैं या मोनोमियल सर्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है, सबको समझ में आया? रूट 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी बोल सकते हैं, या आपको पता है वर्गमूल ऑफ 5 है. तो ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल सर्ड बोल दीजिए या यूनिट सर्ड बोल दीजिए या मोनोमियल सर्ड बोल दीजिए. किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन पक्का ना? नो मैम. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था. यहाँ पे देखिए 5 आपको पता है एक रैशनल नंबर है, रूट 7 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये आपको पता है एक सर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे एक रैशनल नंबर प्लस आपने एक सर्ड लिखा, तो ये किसका एग्जांपल होगा, याद है किसी को? कंपाउंड. नहीं नहीं स्टूडेंट, कंपाउंड में कंफ्यूज मत, कंपाउंड में दोनों ही आपका सर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 5 है ना ये आपको पता है एक रैशनल नंबर है, और ये आपको पता है रूट 7 एक सर्ड है. तो एक रैशनल नंबर प्लस सर्ड का जो मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन, वो कहलाएगा मिक्स सर्ड. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने उसका एक एग्जांपल भी लिया था, याद है कि नहीं? yes, तो ये कहलाएगा मिक्स सर्ड. ठीक है, कंपाउंड सर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, जो भी आपने लिखे ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो आपके सारे टर्म में सर्ड होते. देखिए यहाँ पे रूट 6 भी सर्ड है, 5 इंटू रूट 3 भी सर्ड है. ठीक है, इसलिए हमने उसको कंपाउंड सर्ड बोला है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? नो मैम. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन बताएगा? इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सर्ड सिमिलर है, आंसर बताइए. सिमिलर, याद होगा आपको सिमिलर सर्ड का डेफिनेशन, अगर आपके पास दो सर्ड है जो एक ही सर्ड के मल्टीपल है, मतलब एक ही सर्ड, जैसे रूट 2 ले लिया आपने, तो रूट 2 के ही जो मल्टीपल्स कहलाएंगे, तो आप उसको बोलते हैं सिमिलर सर्ड. तो ये वाले चार ऑप्शन में से कौन से सर्ड्स हैं सिमिलर सर्ड्स, बताइए यहाँ पे स्टूडेंट. मैम ए और सी. ए और सी, एक्सीलेंट, वेरी गुड स्टूडेंट. यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि 2 into root 5, ठीक है, एंड ये जो 4 into root 5, ये किसके मल्टीपल्स है? रूट 5 के मल्टीपल्स है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर सर्ड. और बाकी के जो एग्जाम्पल दिए हुए स्टूडेंट, वो आपका डी सिमिलर सर्ड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 into cube root of 5 दिया है, डी ऑप्शन में दिया है 5 into 4th root of 5. ठीक है, तो आपको पता है वो जो सर्ड है उनका ऑर्डर ही डिफरेंट है. ठीक है, तो ये सिमिलर का एग्जाम्पल है और सिमिलर सर्ड. एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें बताइए. नो मैम. पक्का ना? यस मैम. अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपके पास लिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन मुझे बताएगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए सर्ड का डेफिनेशन क्या होता है. ठीक है, तो आपको याद होगा सर्ड के डेफिनेशन के हिसाब से कुछ ऐसा हम लिखते हैं. यहाँ पे एन नेचुरल नंबर लेते हैं, यहाँ पे जो ए लेते हैं वो आपका होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है, और जो टोटल जो मिलेगा स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं. आपको अगर स्टूडेंट सामने देख लीजिए आपके पास, यहाँ पे आप चाहे तो मैं थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ. ये वाला देखिए रूट 9, सबको पता है स्टूडेंट ये डायरेक्टली आप इसको क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं कि नहीं स्टूडेंट, बताइए. यस मैम. आपको चाहिए तो मैं आपकी लिख करके भी दिखा देती हूँ. आप इसको मतलब 9 का पावर 1/2 आप लिखते हैं. ठीक है, और 9 होता है 3 का स्क्वायर. ठीक है, तो आपको आंसर मिलता है यहाँ पे 3, और 3 आपको पता है एक रैशनल नंबर है. 3 एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली ये पहले वाला ऑप्शन तो आपका सर्ड नहीं है. ठीक है एवरीवन, समझ में आया? दूसरे वाला आप कर सकते हैं. देखिए दूसरे वाले को हम मतलब इसको ये इरेशनल नंबर आप सोच सकते हैं. ये वाला सी वाला ट्राई करते हैं स्टूडेंट, ये है कि नहीं, इसमें डाउटफुल है हमें. ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 है, 4th root of 25, तो आप इसको कैसा लिखेंगे? 4th root of 25 को स्टूडेंट आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसको आगे अगर आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको रेशनल नंबर नहीं मिल रहा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा. आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है आपके पास 5 का पावर 2, टोटल का पावर हो गया आपके पास 1/4. ठीक है एवरीवन, चेक कर लीजिए. तो ये हो गया आपके पास 5 का पावर स्टूडेंट कितना हो जाएगा एवरीवन?
कोई भी स्टूडेंट बताइए, एटाइसिस के भी प्रॉपर्टी सीखे आपने, तो ये हो गया 5 का पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 5 का पावर 1/2, ठीक है, मतलब ये आप इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है √5 आपका एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये एक सड़ है, ठीक है, ये भी सड़, ऑप्शन सी भी आपका एक सड़ का एग्जाम्पल। एवरी वन डी में भी देख सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है 32, अगर आप 2 का पावर 5 लिखते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है, तो 2 का पावर 5 है, ठीक है, और वो टोटल का पावर 1/6 हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका एक सड़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो मिलना चाहिए स्टूडेंट डेफिनेशन के हिसाब से कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ए यहाँ पे आपके पास रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और टोटल जो नंबर मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो आप बोलते हैं ये सड़ है, वो ऑर्डर एन, ठीक है। तो ये भी है, बस पहले वाला आपका सड़ का एग्जाम्पल नहीं था। किसी को डाउट है इसमें बताइए। नो मैम। पक्का ना? नो मैम। नो मैम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको एकदम स्मॉलर सर्ड में, मतलब जो इतना बड़ा लिखा हो, देखिए पहले वाले में लिखा है क्यूब रूट ऑफ 1458, हिंदी में बात की जाए तो ये घनमूल किसका निकालना है आपको, 1458 का। तो आप इसको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सर्ड के फॉर्म में लिखना है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, समझ में आ रहा है, मतलब और कितना छोटा कर सकते हैं इसको वो हमें लिखना है, ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ आपके लिए फटाफट स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1458 है स्टूडेंट, आप इसको लिख के चेक कीजिए कि हम इसको कैसा लिख सकते हैं, मल्टीपल में कैसा लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आया, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 × 7, देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट बताइए, क्योंकि आप इसको छोटा छोटा करके लिखना है नंबर्स का। एवरीवन पहले वाले की बात करती हूँ, बाकी के भी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बताइए मुझे स्टूडेंट समझ में आया इतना? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्यों मैं फटाफट इतनी कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए 729, कितने स्टूडेंट को याद है ये कुछ नहीं बल्कि 9 का क्यूब होता है, कितने स्टूडेंट को याद है? अगर याद नहीं है तो मैं आपको करके बता देती हूँ स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, 9 का वर्ग होता है 81, 81 होता है, अगर स्टूडेंट आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 मिलता है। तो ये मैं ऐसा यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1458 किसके बराबर हो गया, क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर, ये देखो इसके अंदर मैंने लिखा है 2 × 9³। तो आपके लिए एक सोल्व करके दिखा रही हूँ मैं, तो आप इसको लिखेंगे 2 × 9³ और टोटल का चाहे तो आप ऐसा करके टोटल होल का पावर हो गया 1/3, ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब 2 × 1/3 × 9³ और उसका पावर 1/3, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो बताइए, ये हो गया 2 × 1/3 और ये चीज आपको पता है इंडेक्सेस के प्रॉपर्टी में सीखा था, ये हो गया 9 का पावर 1, मतलब 9, ठीक है एवरीवन, है ना स्टूडेंट यहाँ पे? ऐसा लिख सकती हूँ 9 × √2, ठीक है स्टूडेंट। तो यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे थे कि जो सर्स दिए हुए हैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो 9 है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 का पावर 1/3, अगर हम इसको सर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट ये हो गया 9 × √2। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बताइए। ओके तो वैसे स्टूडेंट आपको बी ओ सी वाला ट्राई करना है, बी ओ सी ट्राई करना है आपको, जैसे मैंने एक करके दिखाया आपको वैसे ही बी ओ सी वाले पार्ट, मतलब जो सर दिए हैं उसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार, तो यहाँ पे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है और कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, प्लीज ट्राई कीजिए, अगर कुछ डाउट आ रहे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कौन मुझे बताएगा, एक एग्जाम्पल सिंपल सा आपके सामने है, 10 × √3 and 11 × √3 दिया हुआ है, तो ये सिमिलर सर्ड का एग्जाम्पल है कि डिसिमिलर सर्ड का एग्जाम्पल, कौन बताएगा? मैम सिमिलर। वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड स्टूडेंट। तो आज के लिए सिर्फ यहाँ पे हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए होमवर्क क्वेश्चन मैंने एकदम सिंपल सिंपल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन है, तो प्लीज ट्राई कीजिए सोल्व करने का, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच स्टूडेंट, तो मुझे लगता है ये क्लास के बाद आप मुझे
डेफिनेटली अभी आप बता पाएंगे कि सर्ड का मतलब क्या होता है, और जो हमने सीखे थे लॉज ऑफ यहाँ पे रेडिकल्स की बात कर सकते हैं स्टूडेंट, और ऑर्डर क्या होता है सर्ड का वो आप डेफिनेटली यहाँ पे बता पाए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, एंड बाय मैम। बाय स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी बंद कर देती हूँ।